आज हम हिंदी में जो कल चैप्टर था आत्म परिचय, हरिवंश राय बच्चन साहब का चैप्टर था। हरिवंश राय बच्चन साहब हालावाद के कवि थे। तो कल हमने आत्म परिचय कविता को पढ़ा था। कल जो हमने कविता पढ़ी उसकी हेडिंग थी आत्म परिचय। आत्म परिचय के आगे हम जो अगली कविता पढ़ रहे हैं इसी में इसी पाठ को, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ऐसा एक पक्षी चिड़िया को माध्यम बनाकर कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चाहे पक्षियों में चिड़िया हो या फिर इंसान हो, रास्ते पर चलने वाला राहगीर हो, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए दोनों ही जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो कवि बच्चन साहब ने दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस कविता के माध्यम से हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। तो कविता का शीर्षक, अगली कविता का, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, निकलता है, यानी जो राहगीर है, रास्ते पर चलने वाला मजदूर, किसान, आम आदमी, कोई भी हो, वो ये कोशिश करता है कि सूर्यास्त होने से पहले मैं मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना। और उसी प्रकार जो पशु पक्षी भी होते हैं, इनमें भी एक चेतना शक्ति होती है। तो पशु पक्षी भी समय पर अपने गंतव्य स्थल पर अपने स्थान पर अपने घोंसले तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। इसीलिए कवि के कविता का शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता की लाइनें में पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। हो जाए ने पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच तका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो पहली लाइन है कविता की, हो जाए न पथ में रात कहीं, रास्ते पे जो चलने वाले पंछी होते हैं, पक्षी होते हैं, चाहे राहगीर हो, मजदूर, किसान हो, वो चलता चलता ये सोचता है कि मेरे रास्ते में हो न जाए पथ, पथ का मतलब मार्ग, मैं रात कहीं, कहीं रात्रि ना हो जाए, मुझे जल्दी जल्दी अपने स्थान तक पहुंचना है। मंजिल भी तो है दूर नहीं, जो जिस जगह मुझे पहुंचना है वह मंजिल भी तो कठिन नहीं है, दूर नहीं है, तो समय पर मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। यह सोच तका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन भर जो परिश्रम करते हैं, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, जो परिश्रम मेहनत करने वाले लोग होते हैं, या पशु पक्षी हो, ये भी दिन भर अपने जीवन की क्रीड़ाएं करते हैं, दिन भर थक जाते हैं। कोई भी व्यक्ति दिन में कार्य करते हुए थक जाता है, तो उस थकान को मिटाने के लिए व्यक्ति जल्दी जल्दी घर तक पहुंचना चाहता है। ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है।
पंथी का मतलब होता है पंथ यानी रास्ते पर चलने वाला, मार्ग पर चलने वाला। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जैसे हमारे जो जीवन है या जीवन का उदाहरण हमारे सामने कवि बच्चन साहब ने प्रस्तुत किया है कि हमारा जो जीवन है वो नश्वर है, एक दिन नष्ट हो जाना है। ये संसार असार संसार, एक दिन इसको नष्ट होना है। तो इस असार संसार में व्यक्ति स्थायी नहीं है, ये जीवन स्थायी नहीं है। जीवन और मृत्यु, जीवन हमारे शरीर के दो पहिए हैं, एक दिन जन्म हुआ है इस मिट्टी में, एक दिन इसी मिट्टी में हम मिल जाएंगे। तो कवि बच्चन साहब कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पता ही नहीं चलता कि हमारा जीवन कैसे बीता। एक दिन व्यक्ति बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, लालन पालन करते करते बड़ा हो जाता है, एक किशोरावस्था हो जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, धीरे धीरे उम्र की तकाजा बढ़ता है, उम्र का वृद्ध हो जाता है और एक दिन चल बसता है और उसे पता ही नहीं चलता कि मेरा जीवन कैसे बीता। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कविता की अगली लाइन, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से जाग रहे होंगे। जो चिड़िया है या चिड़िया को कवि ने अपना मार्गदर्शक बताया है, चिड़िया को यहाँ पे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, राहगीर को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि चिड़िया के बच्चे तीन के घास फूस का भोजन का इंतजार कर रहे हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, इंतजार में होंगे, आशा में होंगे, उम्मीद में होंगे कि मेरी माँ आएगी, मुझे दाना पानी देगी, मुझे कुछ खिलाएगी। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों का मतलब घोंसला, नीड़ का मतलब होता है घोंसला। तो बच्चे घोंसले से झांक रहे होंगे, देख रहे होंगे कि मेरी माँ कब आएगी और मुझे कब दाना पानी देगी, इस इंतजार में वो होंगे। ये ध्यान परों में चिड़ियों की भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये ध्यान परों में यानी जो पंख होते हैं, परों का मतलब होता है पंख, ये ध्यान परों में चिड़िया की भरता कितनी चंचलता है, यानी पंखों के माध्यम से जो चिड़िया हैं अपनी स्पीड को तेज करती है, दूर जल्दी से जाने की कोशिश करती। हर व्यक्ति शाम होते हैं, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो, अपने घर पर पहुंचने का प्रयास करता है। ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, उनमें कितनी उमंग है, कितना जोश है घर जाने का, कितना आनंद है, कितनी खुशी है। इंसान में भी होती है तो जानवरों की भी फीलिंग समझी। कबीर बच्चन साहब कहते हैं कि चिड़िया में भी, चिड़िया के बच्चों में भी माँ के आने की खुशी है। तो चिड़िया को अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए, अपने घोंसले तक पहुँचने के लिए उसे भी बहुत खुशी है, उसमें भी उल्लास है, आनंद है, उमंग है। तो जानवरों में भी, पशु पक्षियों में भी अनुभूति होती है, अपनों के प्रति अनुभूति होती है। जीवन एक संघर्ष है तो वो भी समझते हैं, इंसान भी समझता है तो पशु पक्षी भी समझते हैं। इसलिए हमें पशु पक्षियों का सम्मान, उनमें भी जीव होता है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी अपना जीवन होता है। तो हमें पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए, कभी भी पशु पक्षियों की हत्या नहीं करनी चाहिए। अगली कविता की लाइन है, मुझसे मिलने को कौन विकल। चिड़िया कहती है कि मुझसे मिलने के लिए कौन कौन दुखी है, कौन कौन जल्दी मुझसे मिलना चाहता है। चिड़िया के बच्चे वो जल्दी चाहते हैं कि मेरी माँ मेरे पास आए और मुझे दाना पानी खिलाए, मुझे माँ का प्यार मिले, ममत्व मिले। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके चंचल। यानी चिड़िया भी एक चंचलता का निशान है। चिड़िया के बच्चे चाहे इंसान के बच्चे चंचल स्वभाव होता है, बच्चे नादान होते हैं, बेसमझ होते हैं, उनमें
प्यार और प्रेम की भाषा ही समझ में आती है उनको, ममत्व का भाव ही उन बच्चों को समझ में आता है। माँ का जो प्रेम होता है, प्यार होता है, दुलार होता है, वही समझ में आता है। मैं हूं किसके हित चंचल, यानी चिड़िया के जो बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि मैं किसके साथ खेलूं, किसके साथ क्रीड़ा करूं, अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं और चिड़िया भी अपने बच्चों का इंतजार कर रही है। जल्दी जल्दी पहुंचना चाहती है, दुखी है वो जल्दी नहीं पहुंचने के कारण। ये प्रश्न शिथिल करता, पद को भरता, उर में बिहगता है। कवि बच्चन साहब कहते हैं इस प्रकार का प्रश्न जो ममत्व भाव से जुड़ा हुआ, संघर्षों से जुड़ा हुआ, जीवन एक संघर्ष है, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ता है जब जीवन के रास्ते पर चला जा सकता है। जीवन में अगर एक ही सुख की श्रेणी रहेगी तो व्यक्ति कुछ हटकर के नहीं करेगा। जीवन में दुख और सुख जीवन के रथ के दो पहिए हैं, तो जीवन में सुखी सुख देख करके कभी ज्यादा संतुष्ट नहीं होना चाहिए और दुख देख करके ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन में ये अनुभव, दोनों अनुभव हमें समय समय पर मिलते रहते हैं, कभी दुख तो कभी सुख। तो इसीलिए महापुरुष दुख और सुख को समान दृष्टि से देखते हैं, है ना। ये जीवन है जैसे चूड़ी कांच की, वैसी नर की दह, यत्न करता जाय परी हरिभजन लावा। जैसे ये जीवन ऐसा है जैसे कांच की चूड़ी होती है, जैसे चूड़ी कांच की वैसी नर की दह, ये मनुष्य का शरीर वैसा है। जतन करता जाय परी, कितना ही जतन यानी परिश्रम करो, कितना ही प्रयास करो, लेकिन एक दिन इसको मिट्टी में मिलना अवश्य है। इसीलिए कहा गया हरिभजन लावा। तो केवल परमात्मा का स्मरण ही आपको इस संसार सागर से पार करा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये प्रश्न शिथिल करता, पद को भरता, उर में बीलता है, दिल जल्दी जल्दी ढलता है। तो कवि बच्चन साहब कहते हैं ये प्रश्न है हमारे सामने, ये प्रश्न हमें अंदर से हृदय से विहलता यानी दुख के भाव को प्रकट, कष्ट के भाव को प्रकट कर देता है। ये प्रश्न शिथिलता करता पद को, हमारे जीवन में ये प्रश्न खड़ा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे संघर्षों का मिलकर के मुकाबला करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, निर्भीक साहस खोकर के जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में अनेक पड़ाव आते रहते हैं, जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है, संघर्ष भी आता है, तो उसको दरकिनार करते हुए जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। ये प्रश्न शिथिल करता, पद को भरता, उर में मिलता है। हृदय में कठिनाई का अनुभव होता है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सूर्यास्त जल्दी होता है, समय कब निकलता है पता ही नहीं चलता। समय ही वह बड़ा बलम, समय बड़ा बलशाली है, समय के महत्व को समझना चाहिए। हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जो समय की कदर नहीं करता है, समय उसकी कभी कदर नहीं करता। तो यहाँ बच्चन साहब ने समय के महत्व को, जीवन में संघर्षों के महत्व को, जीवन को साहस के साथ जीने की प्रेरणा देते हुए हमें इस कविता, हमारे सामने इस कविता को प्रस्तुत किया है। तो कल हमने आत्म परिचय कविता के बारे में पढ़ा, आज हमने दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें पशु पक्षी को माध्यम बना करके, किसी राहगीर को माध्यम बना करके कवि बच्चन साहब ने हमारे सामने कविता प्रस्तुत की। अब हम जो परिचय है, पाठ परिचय, उसको थोड़ा ध्यान से और पढ़ते हैं। उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को, अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। दुनिया को जानना बहुत आसान है, हम दुनिया को बहुत जल्दी जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसा है, वो कैसे है, लेकिन स्वयं को जानना बहुत कठिन।
अगर हम बेहतर से स्वयं को जान ले तो हमें संसार को या किसी दूसरे को जानने की आवश्यकता कभी जीवन में नहीं होगी। तो हमें स्वयं को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये प्रयास करना बहुत कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा होता है, कभी दुख मिलता है संसार से और कभी हमें सुख मिलता है संसार से। जब जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है, इस संसार से बिल्कुल दूर रहना भी संभव नहीं है। कोई कह दे कि मैं संसार में रहकर के संसार से दूर रह जाऊं, मोह माया से दूर रह जाऊं, सुख दुख से दूर रह जाऊं, लोभ लालच से दूर रह जाऊं, क्रोध से दूर रह जाऊं, ईर्ष्या से दूर रह जाऊं, घृणा इससे दूर रह जाऊं, ऐसा संभव नहीं। क्योंकि अगर हम इस जग जीवन में संसार में रहेंगे तो ये सारी चीजें हमें घेरी हुई रहेगी, दुख सुख घृणा क्रोध लोभ लालच ईर्ष्या वैमनस्य, ये सारी चीजें हमें घेरी हुई है, इनके साथ हमें चलना पड़ेगा, इनके साथ जीवन जीना पड़ेगा। जब जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं, हट करके रहना, निरपेक्ष का मतलब हट करके रहना संभव नहीं, दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। दुनिया में हमें चाहे कितने ही व्यंग्य मिले, व्यंग्य बाण मिले, हमें चुपती हुई कोई बातें कहे, व्यंग्य बाण का मतलब चुपती हुई बातें कहे, चाहे कोई कितना ही डायलॉग के गलत के कितना ही गलत बोले, कितना ही हमारे ऊपर व्यंग्य करे, हम हमारी मजाक बनाए, लेकिन हम फिर भी इस संसार से अलग नहीं रह सकते, क्योंकि हम हमारा अस्तित्व तो संसार में है, तो हमें संसार के साथ अपने को रखना पड़ेगा। लेकिन कवि बच्चन साहब कहते हैं, इस संसार में रहकर के भी आप अपना रास्ता अलग बना सकते हो, अपनी मंजिल अलग बना सकते हो, अपने जीवन के नए आयाम स्थापित कर सकते हो, अपने जीवन के नए मूल्यों को स्थापित कर सकते हो, किसी महापुरुष से प्रेरित होकर। हमारे सामने बहुत सारे हजारों महापुरुष हैं, लाखों महापुरुषों की हम जीवनियां पढ़ते हैं, उनके जीवन के मूल्यों को हम पढ़ते हैं, तो उन महापुरुषों के जीवन मूल्यों से हमें प्रेरणा लेते हुए जीवन में अपना एक अलग रास्ता अलग मुकाम बनाना चाहिए। अपने आप को जीवन इस संसार में योग्य व्यक्ति की तरह खड़ा करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो आगे लिखा है, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता अपनी पहचान का उच्च उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। हमारी इज्जत, अस्मिता का मतलब हमारी इज्जत, अस्मिता शब्द का अर्थ होता है इज्जत, हमारी इज्जत हमारे हाथ, हमारी अस्मिता हमारे हाथ में, किसी दूसरे के हाथ में, तो दूसरों के सारे हम क्यों जी, दूसरों के देखा देखी हम क्यों करें, हमारी अस्मिता हमारे पास है। और अपनी पहचान का उच्च, हमारी पहचान हमारे हाथ में, हमें किसी दूसरे की पहचान बताने की आवश्यकता, हमारे जीवन का एक अपना महत्व है, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है, हमारी खुद की एक अपनी दुनिया है, हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है, उसकी सोच होती है, उसका नजरिया होता है, उसका आइडिया, उसके विचार होते हैं, उसके जीवन के संघर्ष सुख दुख होते हैं। तो अपने जीवन को अनुभूति कराने का कवि बच्चन साहब ने हमें संदेश दिया। अपना परिचय देते हुए लगातार दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करता चलता है। हमारे जीवन में द्वंद है, संघर्ष है, द्वंदात्मक का मतलब होता है संघर्ष। हमारे जीवन में द्विधात्मक यानी दो प्रकार से संघर्ष चलते रहते हैं मन के अंदर, ये करूं कि नहीं करूं, ये करूं तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करूं तो ऐसा हो जाएगा, ये हमारे जीवन में ऐसा संघर्ष चलता रहता है। हम जीवन में नित्य प्रति रोज डेली जीवन में संघर्ष करते, उसी संघर्षों से हमें प्रेरणा मिलती है, हम प्रेरित होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही तो जीवन है। अगर हमारे मन में दो प्रकार के विचार, हमारे मन में द्वंद्व नहीं आएगा तो हमें सही और गलत की अनुभूति नहीं होगी। हमारे मन में द्वंद्व आएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए,
इन्हीं द्वंद्वों के बीच व्यक्ति सोचता सोचता काबिल बनता है, योग्य बनता है, अपने मूल्यों को, अपने आप को पहचानता है, स्वयं का परिचय करता है, आत्म परिचय करता है। यही वचन साहब कह रहे हैं। अपने जीवन में संघर्ष शुरू करता है, साहसिक जीवन जीता है। हमारे जीवन में कोई संघर्ष कठिनाई आए तो उसका मुकाबला कैसे करें, ये बात हमें अंतर द्वंद से सीखने को मिलती है। द्वंद नहीं होगा, अंतर द्वंद नहीं होगा, मन में टकराव नहीं होगा तो कैसे सीख पाएंगे। तो हमें जीवन में जो जो हमें कठिनाई का अनुभूति होती है, जो जो हम सीखते हैं, और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया में मेरा संबंध प्रीति कले का है। कवि वचन साहब कहते हैं कि प्रेम भी है जीवन में और कले भी है, झगड़ा भी है, दुख भी है, सुख भी है। पूरा सारांश रूप में मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। जीवन में विपरीत संघर्ष चलता रहता है। जैसे कवि वचन साहब ने अपने पंक्तियों में जो कल आत्म परिचय आपको बताया, उसमें आत्म परिचय की कविता में कुछ लाइनें आई थी, उसका यह बताया जा रहा है पाठ परिचय में। उन्मादों में अवसाद, दुख में सुख, सुख में दुख, दुख में सुख ढूंढना पड़ता है। बुरे समय के वक्त भी हमें हंसना पड़ता है, क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ता है। जीवन एक संघर्ष है और संघर्षों से लड़ते लड़ते जीवन जीना चाहिए। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरोधों का विरोधा भास मूलक सामंजस्य साधते साधते ये बेखुदी वह मस्ती, ये दीवानगी व्यक्तित्व उतराई। व्यक्ति जब विरोधाभास जीवन जीता है, विपरीत जीवन जीता है, तो उसमें मस्ती आ जाती है, उसमें दीवानापन आ जाता है, वो मस्त मोला हो जाता है, न सुख में प्रसन्नचित न दुख में दुखी, ऐसा व्यक्ति हो जाता है। मैं दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं लेकिन खरीदार नहीं, ये भी लाइनें लिखी थी। इस प्रकार ये बात ही कवि की गीति काव्य का प्राण, ये पंक्तियां ही छायावाद उत्तर गीति काव्य का प्राण है, जिस गीत का प्राण है, कविता का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया ने इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कले का यही वितान और विरोधाभास का यही विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। जब हम जैसे संसार में तारे होते हैं, चंद्रमा एक अकेला होता है, चंद्रमा एक अकेला अपना अस्तित्व रखता है, चांदनी से रात्रि बना देता है, चंद्रमा की चांदनी से रात्रि बन जाता है, सूर्य की आभा से किरणों से प्रकाश दिन बन जाता है, तो दोनों का अपना अपना एक अस्तित्व है। लेकिन संसार असंख्य तारे होते हुए, आकाश में असंख्य तारे होते हुए भी टिमटिमाने से उनका भी एक अपना अस्तित्व होता है, उनका भी एक अपना संघर्ष होता है, वो भी अपने हिसाब से संघर्ष करते हैं। तो हर व्यक्ति एक आकाश में असंख्य तारे की तरह है, हर जीव जंतु इस संसार में, हर प्राणी संसार में अनेकों जो असंख्य तारे हैं आकाश में उसके समान है, लेकिन हर व्यक्ति का जीवन में अस्तित्व है, हर व्यक्ति का जीवन में कुछ महत्व है, हर जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी का जीवन में अस्तित्व है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की। ये सारे के सारे जो कविता है आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, निशा निमंत्रण, ये जो आत्म परिचय और निशा निमंत्रण दोनों जो कविताएं हैं, इन कविताओं का महत्व हमारे जीवन से है। मनुष्य के जीवन में जो धड़कने वाला हृदय है, मन है, भाव है, विचार है, संघर्ष है, कठिनाई है,
उसके बारे में बताया जाएगा कि मनुष्य कैसे अंतर्द्वंद से गुजरता है, मन में कैसे संघर्षों से गुजरता है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए यानी उदाहरणों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी की छुअन महसूस करा देना वचन की जो अलग विशेषता है। किसी उदाहरणों के माध्यम से, कोई न कोई उदाहरणों के माध्यम से, तारों के उदाहरणों के माध्यम से, चिड़िया के उदाहरणों के माध्यम से, अनेक जो उदाहरण कविताओं में प्रस्तुत किए गए कवि बच्चन साहब ने, उन उदाहरणों के माध्यम से हमें एक भीतर अनुभूति कराता है, हमें आत्म परिचय कराता है कि हमें स्वयं को जानना, हमारा ही संघर्ष, हमें अपने संघर्षों का डटकर के मुकाबला करना है, हमें ही अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हमें ही कुछ करना है, दूसरा कुछ करने वाला नहीं। ये संसार असार है, नष्ट होने वाला है, दूसरों के सारे नहीं जीना है, दूसरों की बुराई को नहीं ढूंढना है, दूसरों के अस्तित्व के ऊपर उंगली नहीं उठानी, हमें अपने आप को देखना है, अपने जीवन के संघर्ष को देखना है, अपने आप को कुछ संसार में मान करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारी प्यास की पलकों की गति चंचल तेजी भर सकता है। हमारे जीवन में हमें संसार में आश्वासन मिलते रहते हैं और आश्वस्त होकर के आश्वासन को लेकर के हम आगे बढ़ते रहते हैं, हो जाएगा, ये होगा मेरे साथ, ये होगा, वो हो जाएगा। संसार में इसी कल्पना शक्ति के सारे हम जीते। अगर ये कल्पना शक्ति नहीं होती तो हम जी नहीं पाते, मन में, अपने मन में हम लड्डू खाते रहते हैं, है ना। तो वही क्या है, हमारी आशा है, उम्मीद है, वही हमें प्रेरित करती है। लड्डू खाते खाते मन के हम लड्डू खाते हैं, सारे लड्डू जो खाते हैं उन सारे लड्डू का हमें फल नहीं मिलता कि ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन इन्हीं जो मन में हमारी उत्साह है, भाव है, विचार है, उन्हीं से हमें कुछ ना कुछ रास्ता मिलता है, कुछ ना कुछ मार्ग मिलता है, उसी से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है सीखने की कि कौन हमारा है कौन नहीं, इस बात की हमें पहचान मिल जाती है। इससे तो मनुष्य को सावधान लेकर चलना चाहिए, कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है, इस बात का मनुष्य को प्रेरणा मिल जाती है। आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। अगर हमें प्रेरणा नहीं मिलेगी तो हम हीन बुद्धि हो जाएंगे, बुद्धि रहित हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे। जड़ता का मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि नष्ट हो जाना, बुद्धि की सोचने समझने की, तर्क करने की, वितर्क करने की, स्मरण करने की जो शक्ति होती वो खो देना। अन्यथा हम शीतलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में समय गुजरता रहता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं कौन हूं मेरा कौन, इस बात की हमें पहचान करते हैं। इस बात को अगर हमने पहचान लिया कि मैं कौन मेरा कौन, तो हमें जीवन का आत्म परिचय पता चल। इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। इन सब बातों से हमें एक प्रेरणा मिलती है कि लक्ष्य प्राप्ति किस प्रकार की जाए। जीवन में बहुत सारी घटनाएं आएगी, लेकिन अपने लक्ष्य पर अड़िग बना रहना है, दृढ़ संकल्प के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य प्राप्ति तक होना है। उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्यवान बोधतः, स्वामी विवेकानंद कहता कि उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। यही बात कविता में बच्चन साहब ने कही है कि आपके जीवन में संघर्ष है, लेकिन अपने आप को जानते हुए, अपने अस्तित्व की पहचान करते हुए उठो जागो और रुको मत, जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, अपने जीवन में जिस स्थान पर आप पहुंचना चाहते हैं उस स्थान तक अगर पहुंच नहीं पाते हैं
तो आपने प्रयास सही ढंग से नहीं किया। तो हमें आत्म परिचय और निशा निमंत्रण जो कविता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है जिसकी हेडिंग है, इन दोनों कविताओं से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में संघर्षों से डटकर मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इनके जन्म के बारे में कल आपको बताया था, सन 1907 में इनका जन्म इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं, नाम बदल दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश में यूपी में है ना। और प्रमुख रचनाएं आपको बताई थी, मधुशाला, मधुबला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिले यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने जनों के, टूटे फूटी कड़िया, काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा चार खंड में हेंगी, हेमलेट, जनजीता, गीता, मैकबेथ, अनुवाद के विदेशी विद्वान था मैकबेथ, जिसकी जिसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, प्रवासी की डायरी, उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। ये महत्वपूर्ण है ध्यान रखना, बच्चन जो ग्रंथावली है, बच्चन ग्रंथावली 10 खंडों में विभक्त है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है, तो 10 खंडों में प्रकाशित है। जन्म ध्यान रखना, कवि परिचय तो ध्यान रखना ही है सबका, सभी पाठों में कवि परिचय का भी प्रश्न आता है एग्जाम में। तो जन्म हुआ 1907 इलाहाबाद में और निधन हुआ सन 2003 में बच्चन साहब का मुंबई में। और इनकी एक प्रसिद्ध और कविता है, पूर्व चलने के बटोई बाट की पहचान कर ले, जो छोटी क्लास में आया करती है, जो 6th 7th 8th क्लासें हैं उनमें आया करती है, बिल्कुल सरल कविता है। ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कविता है, बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे। ये 1942 से 1952 तक 10 साल तक इलाहाबाद प्रयागराज विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल थे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध था, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ भी थे विदेश मंत्रालय में। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यवर्ग के विशुद्ध विकल मन को बच्चन ने अपनी वाणी का प्रदान किया, जो प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक और सेकंड 1939 से 1945 तक, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसमें जो प्रजाजन जो पीड़ित थी, जो जनता पीड़ित थी, उसको एक उत्साह का भाव दिया बच्चन साहब ने अपनी कविताओं के माध्यम से। उन्होंने उत्साह जागृत किया कि आप हताश होकर मत बैठिए, जीवन में बहुत सारा संघर्ष है, लेकिन आप इस जीवन को आनंद में होकर के जिए, जीवन में उत्साह लाइए, जीवन में अपने आप को प्रेरित होकर के जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो उस समय युद्ध की जो स्थितियां थी, दोनों विश्व युद्ध के बाद, इन्होंने अपने रचनाएं लिखी थी बच्चन साहब ने। और ये विशेष तौर से हालाबाद के कवि माने जाते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, महत्वपूर्ण है ध्यान रखना है आपको, कवि बच्चन साहब हालाबादी कवि थे, हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, हालाबाद के प्रवर्तक, यानी जैसे हिंदी साहित्य में आपके छायावाद, प्रयोगवाद, जैसे हीरानंद साहब, सचिदानंद वाद, साइन अज्ञे, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, तो अज्ञे जी आपके प्रयोगवाद के जनक थे, पंत मैत्री शरण गुप्त छायावाद के थे। तो जो जो महादेव वर्मा, नई कविता की जनक मानी जाती है महादेव वर्मा, है ना, तो जो ये जो अलग अलग युग हैं उसमें हालाबाद एक युग है, तो हालाबाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। इस बात को याद रखना है, ये महत्वपूर्ण सवाल है इस पाठ का, ये नई चीजें आपके लिए याद करके। तो बच्चन साहब को हालाबादी दर्शन के, मध्ययुगीन फारसी के कवि उम
मध्याह्न का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की आरंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। मधुशाला भी इनकी एक कविता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है, शराब का घड़ा है, अमृत है, मधु का मतलब अमृत, अमृत का घड़ा है, तो अमृत के घड़े से जितना आप अमृत ग्रहण करो उतना आपके लिए फायदेमंद। दुनिया मधुशाला है, दुनिया पैखाना है, शराब पीने का स्थान है, मधु पीने का स्थान है। कल्पना साकी और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है और कविता की प्रत्येक लाइन बहुत आनंद देने वाली है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, बड़े आनंद के साथ जीवन को देना चाहिए। आनंद तो जीवन, आनंदी तो परमात्मा है, हमारे अंदर विराजमान है, तो बड़े आनंद से जीवन 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 जीना ही है तो रो रो कर क्यों जिए, हंस करके जिए। बोलों से नित हंसना सीखो, घोरों से नित गाना सीखो। जब हमारे हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो कविता आती थी, फूलों से नित हंसना सीखो, भोरों से नित गाना सीखो, जीवन को नित जीना सीखो, हंसते हंसते जीवन जीना सीखो। फूलों से नित हंसना सीखो, ये प्रकृति, ये फूल नित हमेशा हंसते रहते हैं तो हमें हंसते रहना चाहिए, प्रसन्नचित रहना चाहिए। भौरों से नित गाना सीखो, जो भौरे हैं दिन भर गुंजार करते हैं फूलों के ऊपर, मंडराते रहते हैं, ये भी हंसते रहते हैं। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना सीखो, जीवन को हंसते हंसते जीवन जीना सीखो, है ना। ये छोटी क्लासों में हमने कविताएं पढ़ी थी, इन्हीं कविताओं का यही सार है। आगे बताया है कि जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे। कभी कड़वा जीवन होता है, खट्टा मिलता है खाने को, कभी मीठा मिलता है, तो जीवन में भी कभी सुख कभी दुख। तो अंततः एक सुपियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी, एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा। अपने आप से इश्क करो, अगर इश्क करना है तो प्रेम करना है, आनंद में रहना है तो अपने आप से। जब तक मनुष्य भीतर से अपने आप से प्रेम नहीं करता है, जीवन में वो संघर्षी नहीं होता। जब हम अपने आप से प्रेम करते हैं तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगती, सब लोग अच्छे लगते, प्रकृति सारी अच्छी लगती, सारा संसार अच्छा लगता है। तो भीतर से प्रेम करना चाहिए, अपने आप से पहले हमें प्रेम करना चाहिए। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समझ झगड़े काफूर हो जाएंगे। ये तेरा है ये मेरा है, ये छोटी सोच वाले लोग। महापुरुषों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत की सूक्ति है कि वसुधैव कुटुंबकम, महापुरुषों के लिए, अच्छे लोगों के लिए तो सारा संसार ही अपना परिवार है। ये मेरा है ये तेरा है, ऐसा करने वाले लोग तुच्छ बुद्धि के लोग होते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, अच्छे लोगों के लिए, महान लोगों के लिए सारा संसार ही परिवार होता है। तेरा मेरा के समझ झगड़े काकुर हो जाएंगे। काकुर का मतलब खत्म, उर्दू वर्ड है काकुर, उर्दू शब्द है काकुर का अर्थ होता है झगड़े, नष्ट हो जाना, झगड़े काकुर का मतलब खत्म हो जाना। इसे बच्चन का हलावादी दर्शन कहते हैं। इसी बात को, इसी प्रेरणा को बच्चन साहब का हलावाद कहते हैं। इसीलिए कवि बच्चन साहब हलावाद के प्रवर्तक माने। कवि बच्चन साहब ने युग बोध संबंधी अनेक कविताएं लिखी जिनका मूल्यांकन आज दिन तक नहीं हो पाया पूर्ण रूप से। कविता का सार आज दिन तक पूर्ण रूप से मूल्यांकन नहीं कर पाया कोई भी कवि। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है। उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि से भी बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, जो ईमानदार आत्म स्वीकृति और प्रांगण शैली के कारण निरंतर पढ़ने बनी हुई है। अपनी ईमानदारी से अपने आप को अनुभूत होने देना, अपनी अनुभूति स्वयं करवाना, यही कविता बच्चन साहब की हमें प्रेरणा देती है। तो हमने आज कल
से शुरू किया था, हरिवंश राय बच्चन का फर्स्ट चैप्टर, उसके बारे में परिचय याद करना आपको घर बैठे बैठे, पाठ तो आपके पास बुक होगी, नहीं तो आप फोन पे ये एनसीईआरटी पाठ्यक्रम क्लास 12th हिंदी इस प्रकार अपने फोन पे निकाल करके ना गूगल पे सर्च करके इस चैप्टर को निकाल करके उसकी रीडिंग लगाएं, परिचय को पढ़ें और संभव हो सके समय मिले तो नोटबुक में लिख लीजिए भले, है ना, नहीं तो आप इस अपने मन से ऐसे ही पढ़िए उसको, बार बार पढ़िए कवि परिचय और कविता को फिर से पढ़ें, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करें, उनके प्रश्न उत्तरों को हल करने की कोशिश करें, प्रश्न उत्तरों को समझें और कविता को बार बार पढ़ें, कौन कौन से शब्द हैं क्या अर्थ होता है वो भी जाने आप, है ना, जैसे मौज का मतलब होता है लहर, शब्दार्थ, शब्दार्थ से कविता ज्यादा समझ में आती है, उन्माद का मतलब होता है दीवानापन, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा विशेष, प्रासाद का मतलब कल आपको बताया था महल, तो इस प्रकार शब्दार्थ के बारे में भी जाने। नीचे जो इसमें आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद का दिया हुआ है छोटी सी दूसरी जो योग्यता विस्तार में नीचे कविता है इस पाठ के नीचे, वो भी यही प्रेरणा देती है बच्चन साहब की तरह कि हमें अपने आप को जानते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पहला जो चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन का, कल से लगा करके अभी तक मैंने जो आपको कविता बताई उसको ध्यान से पढ़े समझे याद करें, है ना, धन्यवाद।